हमारे मुल्क में यहाँ बहुत एक छोटी सी काम काम के वजह से भी रिश्वत देना पड़ जाता है, ना देने ना चाहते हुए भी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करिए, दोषी कौन है फिर, हम या जो जिसको दे रहे हैं वो है। भाई साहब ने कोई कुछ चीज अरबी में कही और कहा कुरान में लिखला रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं इसी कोई कुरान मजीद की आयत नहीं जानता, हदीस में लिखा हुआ है। कुरान मजीद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है वो सूरह बकरा है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 188। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है कुरान की आयत नहीं। जी सॉरी सर, आप समझे ना, जी सर, तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं, हदीस में आता है। कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत हजम कर सके। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188, 188। जरा मेरी गिनती में जरा प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने, आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत क्या रिश्वत लेने वाला गलत, ये सवाल था आपका। जी सर, जी सर, दोनों गलत, लेने वाला भी गलत देने वाला भी बहुत गलत। मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना आम काम तौर नहीं होता सर। छोड़ दो काम को, आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके, तो कुछ रिश्वत जायज है। कुछ मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है जी सर, और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, ये हर टाइम मुझे पास करता है पर फेल करता है। जी सर, उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में, तो मेरे पास जरा कुरान 91 जी, सॉरी 91 91 1991 जी 1991 में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थे कुरान थी, तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था तो टीसी आता है टिकट टिकट, उस टाइम तो कोई जाकिर नायक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाल्लाह जाऊंगा तो सब पैसा नहीं है, उस टाइम कोई जानता ही नहीं था टिकट टिकट ये क्या है वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला भाई साहब, जी सर, कूली ने बोला भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है, तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया, मैंने मेरी दावती काम शुरू किया, बाहर निकले वो, उसने कहा वो टिकट कलेक्टर ने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वाला कितना पैसा दिए, 100 रुपया दिए ना, नहीं दिया, कितना दिए, नहीं दिया, झूठ क्यों बोलता है, उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा, इतनी रिश्वत है यार, अब समझे। वो जी सर, तो मुझे जानता ही नहीं था, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं, अरे बनना जी सर, कितना पैसा दिया, नहीं दिया, कितना दिया बोलो ना साहब, 200 रुपया दिया, नहीं दिया, बोलो ना साहब, झूठ क्यों बोलता है, मुझे झूठ बोल दो। सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है, समझे। अपना मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना। तो ये गलत फहमी है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है, माशाल्लाह मुझे तो रिश्वत देता ही नहीं हूं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं, आप रिश्वत देते तो आप गुनेगार नहीं, लेने वाला गुनेगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके ऐसे, बहुत कम, ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनेगार, क्योंकि मेरी गलती है,
आप समझे ना जी सर, अगर ओवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया मैं क्या करूंगा, 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई, ओवेट क्यों लेके गया। सो ये थी वीडियो और इसमें डॉक्टर साकिर नाइक ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि रिश्वत लेना और देना हराम है, रिश्वत नहीं दे सकते हैं किसी को। तो आपको अगर रिश्वत नहीं देनी है तो अल्लाह पर भरोसा रखें, तवक्कल रखें, आपका काम फिर भी हो जाएगा। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऐसे वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।